ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने उत्तराखंड के 4 सीमन गांवों को दिया पुरस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उपलब्धियों को हासिल कर रहा है उत्तराखंड। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को सौंपी जिम्मेदारी। देहरादून रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों में हुआ बवाल, पुलिस की गाड़ी समेत कई निजी वाहन हुए क्षतिग्रस्त। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भू कानून और यूसीसी के मुद्दे पर मीडिया से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड लगातार नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बेरोजगारी की दर उत्तराखंड की 4% से ज्यादा कम हुई है और नीति आयोग के आंकड़ों में हम नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कालखंड उत्तराखंड का है, अब स्टार्टअप के मामले में हमने काफी अच्छी वृद्धि भी की है। 17,000 बिना भर्ती किसी विवाद के सकुशल संपन्न भी हुई है। और वहीं उत्तराखंड में भू कानून पर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्व में 250 गज जमीन खरीदने का प्रावधान था, ऐसे लोगों की अब सूची तैयार हो रही है जिन्होंने गलत जानकारी से जमीन खरीदी है, अब वो जमीन अब सरकार की निहित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भू कानून मूल निवास जैसे मुद्दे पर हम संवेदनशील है। देवभूमि की जनता को ये भरोसा दे रहा हूँ कि सबकी भावनाओं और सबसे वार्ता करने के बाद हम निर्णय लेंगे। सीएम धामी ने ये भी कहा कि अगले बजट सत्र में गठित कमेटी के तहत एक बड़ा भू कानून हम लेकर आएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती रही हैं, वो सब चुनौतियों पर आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा रही, आप सबका सहयोग रहा। तो अभी मैं जो आज विशेष रूप से आपसे बात करने वाला हूं, उसमें है कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहां पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है जिसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 4 सीमांत गांवों को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें उत्तरकाशी के 2 गांव हर्षिल और जखोल सहित सुंकी और गुंजी को ये पुरस्कार दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जन जागरण का काम निरंतर चलते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आज विश्व पर्यटन दिवस भी है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और विश्व पर्यटन दिवस समारोह में हमारे प्रदेश के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गाँव को मिला सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार भी मिला है। मैं उसके लिए भी इन सभी ग्राम सभा वासियों को, प्रदेश वासियों को, सबको मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसवाना ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर राजधानी देहरादून में सड़कों की खस्ताहाल के साथ ही पिछले लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में हुई धांधली की जांच की मांग की है। वहीं इस दौरान सूर्यकांत दसवाना ने कहा है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 5 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, जहाँ आज भी सड़कें बदहाल पड़ी हुई है। वहीं दसवाना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जाँच होनी अति आवश्यक है। लेकिन अब इस बीच शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोगों की सब कहने की बातें हैं और अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो विकास जरूर होता। वहीं कांग्रेस अगर विकास की बात करती है तो आज सत्ता में होती। कांग्रेस को दिखावा करने की आदत हो गई है और हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है और जनता हम पर भरोसा दिखा रही है और हम एक विकासवादी लोग हैं। काम कांग्रेस के लोगों का कहने की बात हो रहा है, हमें लगता है कांग्रेस न होती तो शायद विकास न होता, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस यदि विकास की बात करती तो कांग्रेस आज सत्ता में होती, कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस के लोग तो सिर्फ एक दिखावा करने की आदत हो गई। हमारी सरकार गंभीरता से काम करती है। आप जानते हैं कि मैं यदि एक उदाहरण दूं तो आप शायद मेरी बात से संतुष्ट होंगे। उत्तराखंड का एक ट्रेंड बन गया था, हालांकि आप जानते हैं उत्तराखंड निर्माण भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे उनके बाद बना था और पहला चुनाव हम हारे थे 2002 का उत्तराखंड के अंदर, और 2002 के में कांग्रेस आई
जिन्होंने कहा था हमारी लाश पे बनेगा उत्तराखंड, लेकिन जनता है, उन्होंने उनको पसंद किया, वो सरकार में आए। 2007 हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। 2012 आया, फिर कांग्रेस आई। 2017 आया, फिर भारतीय जनता पार्टी आई। एक ट्रेंड बना कि 1/1, लेकिन 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो जो मिथक था उसको तोड़ने का काम किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारी सरकार ने 2017 से 22 के बीच में काम किया। हालांकि हम पहले भी काम करते रहे, लेकिन ये भ्रामक प्रचार करते रहे जैसे अब ये कर रहे हैं। आज भी मैं ये कह सकता हूं कि 2014, 2019, 2024 पांचों सीटें जो हमारी लोकसभा की हम जीत रहे हैं। 2017 से 22 में लगातार हम दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं, का मतलब ये कि जनता हमारे पे भरोसा कर रही है, जनता समझ रही है कि हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं अपने पूरे जो हमारा स्वभाव है, हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस को इस गलतफहमी में वो जी रही है कि उनके बाद हम काम कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी उनको मुबारक है। हम विकासवादी सोच वाले लोग हैं, हम विकास करते हैं, विकास करेंगे। राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि एक समुदाय का युवक दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचा था, जिसे स्थानीय लोगों ने जमकर मारपीट करी। वहीं स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं SSP अजय सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत से लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दातागंज जिला बदायूं का अजय सिंह और दातागंज बदायूं की ही 16 वर्षीय युवती रेलवे स्टेशन देहरादून पर घूमने पहुंची थी। इस दौरान RPF को संदिग्ध प्रतीत होने पर दोनों को RPF कार्यालय में बैठाया गया और लड़की के घर वालों से संपर्क करने पर पता चला कि लड़की अपने घर से एक दिन पूर्व बिना बताए देहरादून आई है, जिसकी गुमशुदगी की बदायूं थाने में दर्ज है। वहीं SSP अजय सिंह ने बताया कि किसी अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर RPF की और GRP की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहां पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहां पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर, इसके तत्पुरात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या तो विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है, इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर नेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ दो चार गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो CCTV फुटेज और पुलिस के द्वारा जो अब लोगों से जानकारी मिली, उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सुबोध उनियाल पिछले दिनों केदारनाथ दौरे पर रहे और वहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। वह कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में उत्साह है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मैंने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठक की है और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ क्या देखिए, अभी ये चुनाव आयोग उसको नोटिफाई करेगा, लेकिन BJP पूरी तरह तैयार है और मैं भी, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, चार मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, मैं भी जो जिम्मेदारी वहाँ जाकर के कार्यकर्ताओं से मिला, कार्यकर्ताओं भारी होता है। उसके अलावा वहाँ के जो सारे महत्वपूर्ण नेता हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जी और हम लोगों की भी एक बैठक हुई थी, जिसमें लोगों में बड़ा उत्साह है और हम रिकॉर्ड पत्ते केदारनाथ में जीते। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के विवाद के बाद उत्तराखंड में भी खाद्य विभाग जगह जगह छापेमारी अभियान चला रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक विभाग ने प्रदेश भर में देसी घी और मक्खन में मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में देसी घी और मक्खन के साथ ही मिठाई की दुकानों में भी सैंपल लिए गए हैं। अभिहित अधिकारी मनीष सयाना ने
बताया है कि देहरादून जिले में गढ़वाल मंडल के उपायुक्त आरएस रावत के नेतृत्व में छापा मारने का अभियान चलाया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों हरबतपुर, सहसपुर, सुद्धोवाला, डोईवाला में भी सघन छापा मार अभियान चलाया गया है, जिसकी जाँच रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। जैसे आपके मालूम है कि घी में जैसे चर्बी की शिकायत आई है, तो उसी के बिहाफ में हमारे जो आयुक्त महोदय श्री डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश थे कि जितने भी ब्रांडेड घी या फिर जो लूज घी बाजारों में बिक रहे हैं, तो उनकी जो है जांच, गुणवत्ता जांच की जाए। इसी के क्रम में हमारे द्वारा पूरे जनपद देहरादून में एक अभियान चलाया गया टीम बना के, जिसमें हमारे अभियान का नेतृत्व जो है डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आर एस रावत जी ने किया है। और इसमें हमने संपूर्ण जो जितने जनपद हैं, चाहे वो डाक पत्थर है या विकास नगर है, और आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे ये आपने क्या कहते हैं नगर निगम क्षेत्र हैं, डोईवाला हैं, सब जगह अभियान चलाकर दूध घी के अभी तक हमने 18 सैंपल जांच के लिए लिए। उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक पदों के लिए शारीरिक नापझोंक और दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम पूरा हो गया है। वहीं SDRF के सेनानायक अर्पण यदुवंशी की देखरेख और निर्देशों के तहत SDRF बटालियन जोली ग्रांट में भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया सम्पन्न हुई है। वहीं आपको बता दें कि SDRF वाहिनी मुख्यालय जोली ग्रांट में 22वें दिन आयोजित शारीरिक नापझोंक परीक्षा में कुल 85 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं और इन अभ्यर्थियों में से 26 अभ्यर्थी शारीरिक नापझोंक और दक्षता परीक्षा में सफल रहे। राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला और अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। वहीं देहरादून के DM सवीन बंसल ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए हाईटेक CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 25 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि देहरादून का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका पलटन बाजार है। यहाँ पर महिलाएं बच्चे रोजाना अधिक संख्या में आते हैं, साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा है कि पुलिस की तैनाती के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी जरूरी है। इसके लिए बाजार में हाईटेक CCTV कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे आगे कोई आपराधिक गतिविधि ना हो सके और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया है कि इसके लिए देहरादून के SSP से इस विषय पर बात करने के लिए जल्द से जल्द इसका प्रपोजल मांगा है। व्यापारी वर्ग की भी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वहाँ पे पब्लिक आवागमन करती है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इट्स अ कंजेशन हॉटस्पॉट, पब्लिक हॉटस्पॉट, पर्टिकुलरली इन द इवनिंग अर्ली नाइट्स। सो वहाँ पर बहुत आवश्यक है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, कोई एडवर्स गतिविधि ना होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी वहाँ पे सर्वेलेंस बनी रहे, पर पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी कई सारी ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं और व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैन्युअली पॉसिबल नहीं होता है एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना, ऑब्जर्व करना। उत्तराखंड में एक बार फिर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर राज्य की समस्त बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और इस मामले पर शीघ्र ही कार्यवाही करने की मांग भी की है। देखिए, हम कह रहे हैं कि किसी को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। नियम कानून अपनी जगह है। पहले भी पूरा तराए बसाया था हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी, और कई ऐसी बस्तियां हैं जो कमजोर लोगों को जिनमें बसाया गया, उनके लिए बिजली, पानी इत्यादि, स्कूल इत्यादि की व्यवस्थाएं पुरानी सरकारों ने की। सरकार का काम केवल कानून का पालन करना नहीं है, कानून का पालन के साथ साथ यहाँ के नागरिकों का पालन करना, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं करना, और जो हमारे 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था करना सरकार का काम होता है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक और देहरादून के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा है कि सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे मलिन बस्तियों वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि मलिन बस्तियों के लिए फिर से अध्यादेश आएगा, और इन बिटवीन मैंने शासन में बात की, सरकार में बात की है कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, उस पर गंभीरता लानी चाहिए और उसके लिए कोई व्यवस्था बननी चाहिए।
बीजेपी के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान का पहला चरण खत्म हो गया है। अब बीजेपी सदस्यता अभियान दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। वहीं दूसरे चरण के सदस्यता अभियान से पहले बीजेपी के देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चे में पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर सांसद अजय भट्ट ने बताया है कि बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी की सदस्यता अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं। पहले चरण में लक्ष्य से अधिक लोग सदस्य बने हैं। दूसरे चरण में भी इसी तरह से सदस्यता अभियान को और अधिक गति दी जाएगी। बैठक थी और मुझे बताते खुशी है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन सदस्यता 12,05,000 हो चुकी है। ऑफलाइन जहाँ मोबाइल फोन नहीं थे, ऐसे अभी प्रथम चरण में 1,09,000 की सस्ता हुई। लगभग 13,14,000 हमारी सस्ता अभी तक की उत्तराखंड में हो चुकी है। 3 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा को जितने वोट पड़े थे लोकसभा विधानसभा जो ज्यादा वोट थे वो उतने सदस्य उस बूथ हमारे बन गए हैं। उनमें ऋषिकेश का बूथ क्रमांक 85, मेरा स्वयं का बूथ बदरीनाथ विधानसभा बूथ क्रमांक 75 और विकास नगर का बूथ क्रमांक 8। ये ऐसे 3 बूथ हैं जहां अभी आज के सत्र में आया है कि यहां पर भाजपा को जितना मत मिला था उतने सदस्य उनसे ज्यादा एक दो सदस्य ज्यादा ये हमारे सदस्य बने हैं। अब क्योंकि सस्ता अभियान का द्वितीय चरण हमारा प्रारंभ हो रहा है, 19 को मन की बात है, हमने जो लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक बूथ पर हर कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा, तो अनेकों कार्यकर्ता बूथ पर गए हैं। हमारे सभी बूथों पर 29 तारीख को भी सदस्यता का काम पूरा होगा। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बवाल इतना मच गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज राजधानी देहरादून में घंटाघर पलटन बाजार में सभी तमाम लोग सड़कों पर उतर आए, जहां पर बजरंग दल के लोग और पलटन बाजार के व्यापार मंडल के सभी लोग मौजूद रहे और काफी देर तक इस मामले के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन दिखाई दिए और साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रही, जिसकी वजह से घंटाघर में अत्यधिक जाम देखने को मिला। लोगों का कहना है कि ये बजरंग दल के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, यह बहुत ही निंदनीय है और ये हिंदू समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला लव जिहाद का है। देवभूमि पर जहां देवों की भूमि का वास है, यहां पर ऐसी चीजें होना बहुत ही निंदनीय है। एक्चुअली में ये एक बालिका कोई भाग कर आई थी तो उन्होंने समझाने के प्रयास की जो हमारे विकास वर्मा जी थी, इन्होंने इसको क्या कहते पुलिस प्रशासन ने इसको लव जिहाद का मामला बना के और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने हमारे व्यक्ति विशेष को पथराव कर दिया। तो इस मामले को आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि कल आज सुबह की घटना है कि पुलिस प्रशासन ने बिना कारण बताए हुए उनको अरेस्टिंग कर दिया। अरेस्टिंग इतनी बदतमीजी से किया कि मतलब बिना कारण बताए। तो आज उन्होंने विकास वर्मा को अरेस्टिंग कर दिया, कल सुरेंद्र सिंह नेगी जी को अरेस्टिंग कर सकते हैं, कल इन अंकल जी को अरेस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि इस देवभूमि में, ये बद्री विशाल की देवभूमि है, ये केदारनाथ की देवभूमि है, यह गंगा जमुना का उद्गम स्थल है और यहाँ पर क्या लव जिहाद का मामला चलेगा? यहाँ पर हमारा जो मेन विरोध है, उन्होंने लव जिहाद के मामले को लेकर एक आवाज़ उठाई थी और पुलिस प्रशासन ने इस आवाज़ को छुपाने के लिए कि ताकि ये मामला और न बढ़े, कि मामला ये लव जिहाद का मामला यहाँ पर चलता रहे और हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए उनको अरेस्टिंग किया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।